हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इसराइल ने लगता है कि उसको पूरा खत्म करने की कसम खा ली है, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी अपने पक्के इरादे पर अड़ा हुआ है। ये जंग कब खत्म होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसराइल एक के बाद एक हिजबुल्लाह समर्थकों की जान ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह इसराइल को चुनौती दे रहा है। ताज़ा अपडेट में अब इसराइल लेबनान के अंदर घुस गई है और हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे हिजबुल्लाह के नेता के पसीने छूट गए हैं। बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद आज सोमवार को हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम का पहला सार्वजनिक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह इजरायली सेना के किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनका यह वीडियो लेबनान में इजरायल की सेना के दाखिल होने से पहले का है। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल हमारी सरजमी पर दाखिल होगा तो हम पूरी मुस्तैदी के साथ उसका सामना करेंगे। इस प्री रिकॉर्डेड बयान में कासिम ने कहा कि लेबनान में हमारे कमांडर्स और नागरिकों की जान जाने के बावजूद हम झुकेंगे नहीं, हम लेबनान की हिफाजत के लिए गाजा का सहयोग करना जारी रखेंगे। खास बात बताएं तो नईम कासिम ये बयान देते वक्त लगातार अपना पसीना पोंछते नजर आए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह नसरल्लाह के कदमों पर आगे बढ़ता रहेगा, हिजबुल्लाह के लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे जो नसरल्लाह का रास्ता था। कासिम ने कहा कि ये जंग लंबी चल सकती है, हमें यकीन है कि इसराइल और नेतन्याहू अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। हिजबुल्लाह एक बार फिर ऐसे ही इसराइल को हराएगा जैसे 2006 में हराया था। कासिम ने इसराइली हमले की आलोचना करते हुए कहा कि लेबनान के गांवों और रिहायशी इलाकों को IDF की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। इसराइल जिन पर हमले बोल रहा है वो हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं बल्कि निर्दोष आम लोग हैं। तो वहीं आज इसराइल सेना लेबनान सरहद में जा घुसी है। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह आतंकी इनका इस्तेमाल उत्तरी इसराइल में हमला करने के लिए करते हैं। लेबनान में शुरू हुआ जमीनी अभियान सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। तो वहीं IDF ने अपने जमीनी हमले की शुरुआत लेबनान की उत्तरी सीमा के पास गांवों से की है। IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह आतंकी इन गांवों का इस्तेमाल उत्तरी इसराइल में हमले के लिए करते हैं। इस जमीनी ऑपरेशन पर अमेरिका का भी बयान आया है। लेबनान में ऑपरेशन को लेकर अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने उन्हें जानकारी दी है कि IDF लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए सीमित ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अमेरिका के विदेश प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने इजरायली सीमा से सटी लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर सीमित ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है, और ये कब तक चलेगा देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।